केदार घाटी में हो रही बारिश के कारण पैदल रास्ते को भारी नुकसान पहुंचा है। बीती रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास रास्ता 15 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण तीर्थयात्रियों को सुरक्षित तरीके से वैकल्पिक मार्ग तैयार कर रास्ते को आर पार करवाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त मार्ग को NDRF SDRF के साथ DDRF के जवान दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बारिश के चलते जंगल चट्टी के पास से रास्ता टूट चुका है। पिथौरागढ़ DM विनोद गोस्वामी ने नैनीसैनी एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्हें एयरपोर्ट में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट के CSO प्रकाश जोशी ने बताया कि 2B से 2C में उच्चीकृत होने के बाद 48 सीटर विमान के संचालन के लिए दिल्ली से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा का पूर्व में ट्रायल हो चुका है। हवाई सेवा के संचालन की संभावनाओं को देखते हुए यात्रियों की क्षमता के अनुसार एयरपोर्ट में मैन पावर और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत होगी। DM ने एयरपोर्ट के CMO को एयरपोर्ट रनवे, टर्मिनल की सुविधाएं और सौंदर्यीकरण के अलावा अन्य जो कार्य किए जाने आवश्यक हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पूरे देश का हर आम आदमी इस योजना के तहत, पुरानी योजना के तहत इस हेलीपैड, इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और उच्चीकरण किया गया है। अभी इसमें 48 सीटर जो विमान है उनको चलाए जाने की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में जो हेली चल रहा है वो छोटा है, 3 सीटर है, उसकी अच्छी व्यवस्था चल रही है। बाकी जो एयर कनेक्टिविटी है पिथौरागढ़ की निरंतर चल रही है, परंतु यात्री सुविधा और एयरपोर्ट की अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए एयरपोर्ट के डायरेक्टर के तौर पर यहाँ जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या और व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। जैसे कि लोग यहाँ आकर के देखा कि हम लोगों ने कि यहाँ पर जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि पुराने हैं, जिसका EMC वगैरह नहीं हुई है, कुछ नए खरीदे जाने हैं, कुछ यात्रियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं की जानी है, सिक्योरिटी से संबंधित कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको देखा जाना है, तो उन सबको हम लोग देखने के लिए आए ताकि यात्रियों की सुविधा का विस्तार किया जाए। बेरीनाग के मनगढ़ गांव में 9 दिन पूर्व खड़िया खनन के कारण भूस्खलन होने से 7 घर जमींदोज हो गए थे और 1 दर्जन मकान खतरे की जद में आ गए थे। तब से मनगढ़ गांव के आपदा प्रभावित परेशान हैं। ग्रामीण आज भी डर के साए में हैं। प्रभावित परिवार ने बताया कि उनको दूसरे के घरों में शरण लेनी पड़ी है और कब तक ऐसे ही दूसरों के घर में रहेंगे, इसको लेकर परेशान प्रभावित कल्याण सिंह की 92 वर्षीय माँ बिशुली देवी अभी तक सदमे में है और उन्हें खाना पीना तक छोड़ दिया है। ग्राम प्रधान राजन सिंह ने बताया कि 9 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी भी गाँव में आपदा को लेकर डर बना हुआ है। 12 तारीख को हमारे गांव में आपदा आई। आपदा आते ही मैंने तुरंत एक छोटे अपने उनसे लेके बड़े कर्मचारी तक मैंने फोन द्वारा संपर्क किया, उनसे उनको मैंने गांव में आने के लिए कहा। गांव में आए, उन्होंने निरीक्षण किया, देखभाल किया, मगर आज तक हमारे जो ये इतने घर बर्बाद हो चुके हैं उनको कोई ऐसी उन्होंने वो देखे नहीं किए कि उनको आश्वासन ये नहीं दिया कि तुम्हारे लिए व्यवस्था की जाएगी या उनका कोई ठिकाना नहीं हुआ। ऐसे हमने टेम्परेली व्यवस्था बना रखी गांव में, किसी के घर में जानवर बांधे हैं तो किसी के घर में उनके रहने की व्यवस्था बना रखी है। वो लोग बहुत परेशान हैं और उनमें से 2-4 गरीब भाई ऐसे जो BPL परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब रही, उनको हम हॉस्पिटल जो ले जाएं या उनके बच्चों की देख रेख जो करें या गाँव की देख रेख जो करें। प्रशासन आ रही है, जा रही है और कोई हमें पक्का वो नहीं मिल रहा है कि इन भाइयों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी या इनका क्या ठिकाना होगा, होगा या नहीं होगा, इनको क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 5,000-7,000 का वो करके जा रहे हैं। देखिए आप आए हमारे गांव में और इनकी कंडीशन देख लीजिए आप देख रहे हैं कि मलबे से पूरे घर दबे हुए हैं। 5,000 से लोग क्या करेंगे। हमारे पहले यहाँ कितना बारिश हुई यहाँ, लेकिन कभी कोई चीज़ नहीं हुआ। ये खड़िया खनन की वजह से हमारा पूरा खेत में पूरा गांव बर्बाद होने वाला, पूरा ही गांव। अभी तो 7 मकान तो टूट गए हैं और 7 मकान टूटने वाले हैं। अभी उनके घर के अंदर नहीं रहना बोला, तुम कहीं गांव में किराए में रहो बोला, गांव में किराए में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाका है साहब। हम लोग इसमें सिर्फ रहने के लिए, एक परिवार के रहने के लिए अपने रहने भर का बनाते हैं। अभी हम उस पर कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और कभी भी वो बोल सकते हैं, बोला भाई हमारे घर से आप निकलो, फिर हम कहाँ जाएंगे। हमारे लिए ये बड़ी समस्या हो गई है, हम कहाँ जाएंगे। अभी बोला तुम्हारी छत है, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम हमारी व्यवस्था तो की जाए, हमारी कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था की जाए। अभी 7 घर तो टूट चुके हैं, ये बिल्कुल किनारे में है, ये पता नहीं कब टूटेंगे, कोई पता नहीं। अब यहाँ हमारे को बिल्कुल जाना नहीं,
और ठेकेदार को पहले बोला था यहाँ से पूरा गांव गई थे हम, जब ये खड़िया लगी थी ठेकेदार को कितना मना करने के बाद भी, प्रशासन भी आया था वहाँ, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ठेकेदार ने बोला था अगर गांव को कुछ होता है मैं पूरे गांव को मैं बसाऊंगा बोला था। अभी यहाँ इतना दिन हो गया ठेकेदार आया नहीं है, ठेकेदार ने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है, कोई उसको बुला नहीं रहे हैं। उसको बुलाइए पहले, आप लोगों की ड्यूटी बनती है उसको बुलाइए यहाँ, उसने कैसे कर रखा है वो करेगा यहाँ, वो जैसे बोल रखा है वैसा करेगा, करना चाहिए उसको। अभी हम क्या करेंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? मेरा मकान अच्छी तरह से ध्वस्त हो चुका है, मेरे अंदर जो भी सामान था वो पूर्ण तरह से दब चुका है। मैं आभूषण सहित मेरी 92 साल की बुढ़ी अब माता जी है, वो तब से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब मैं उनकी अंत्येष्टि भी कहाँ पे करूँ, न मेरे इस गांव में जमीन है और न मेरे पास कोई आय का स्रोत है। मेरे वहाँ पर बाग बगीचा था, उसी से सब्जियाँ उत्पन्न करके मैं अपने दर गुजर करता था, अपना भरण पोषण करता था। न मेरे पास अब जमीन है, न मेरे पास अब घर है। अब मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और गांव में ऐसे भटक भटक के अपने दिनों को कट रहा हूँ। और शासन प्रशासन से मैं बार बार गुहार लगा चुका हूँ कि मुझे विस्थापित किया जाए और मुझे घर दिया जाए, घर के लिए जमीन दी जाए। मेरे पास जमीन भी इस गांव में उपलब्ध नहीं है, कहीं पर भी मेरे लिए इस गांव में जमीन उपलब्ध नहीं है। और मेरी जाँच करा दी जाए सरकार से, यदि मेरे पास कोई संपत्ति है और यहाँ कहीं पर मेरी जमीन है। मेरे पास कोई जमीन ही नहीं है इस गाँव में, मैं कहाँ पर अपना घर बसाऊँ, कहाँ पर क्या करूँ और कैसे अपनी आजीविका करूं। हम दोनों भाई नंदन सिंह कल्याण सिंह पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।